एक लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधते हैं तो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए वे दोनों कई सपने सजाते हैं। उनकी लाइफ कैसी होगी, उनके पार्टनर कैसे उनका ख्याल रखेंगे, वे पार्टनर का कैसे ख्याल रखेंगे, दोनों के बीच प्यार और विश्वास कितना होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री अमन बाबा जी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा उन पति और पत्नियों के लिए हैं जो एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल कैसे रखें और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होने चाहिए, पति पत्नी में ऐसे रखें एक दूसरे का ख्याल नहीं होंगी अनबन रिश्ते में कभी भी। दोस्तों, अगर आप भी पति पत्नी हैं और आपके बीच में भी छोटी मोटी नोक जोक चलती रहती हैं, आप भी चाहती हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो उम्र भर मरते दम तक आपका साथ निभाए, आपको कभी धोखा ना दें, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन कई बार मन मुताबिक ही चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच कुछ बातों को लेकर अनबन हो जाती है। रूठना मनाना तो शुरुआत में होता है, लेकिन एक समय के बाद रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। ऐसे में रिश्ते में खटास पड़ती है और कई बार तो दोनों अलग होने तक का फैसला भी ले लेते हैं, जो गलत है, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ बातों का ख्याल रखकर आप अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और ये रिश्ता आपको कैसे बनाकर रखना है। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, सभी जानते हैं, जिस रिश्ते के जरिए ईश्वर का भी प्राप्त आप कर सकते हैं। जब हम शादी नहीं किए होते तो हमारे जीवन की उद्देश्य कुछ और होते हैं, परंतु शादी करने के बाद किसी के भी जीवन के उद्देश्य पलट कर रख देते हैं। हमारे विवाहित जीवन की मन उद्देश्य क्या है उसे समझने के लिए आप किसी अच्छे गुरु की शिक्षा भी ले सकते हैं। आपको किसी अच्छे गुरु की शिक्षा भी होनी चाहिए। तो पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत होना चाहिए ताकि एक दूसरे की मन की भावना को सरलता से समझ सके दोनों। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास आपको होना चाहिए, जो अनिवार्य है, जिससे आप सरल तरीकों से संसारिक जीवन भी बता सकते हैं और आपके रिश्ते में कभी भी खटास नहीं आएगी। पति पत्नी का रिश्ता आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना सकते हैं। सर्वप्रथम पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो दोनों को ही ईश्वर प्राप्ति भक्ति और श्रद्धा रखनी होगी। पति पत्नी ईश्वर प्रति भक्ति रखने से भी धर्म के अनुसार रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। यदि पति पर अधिक प्रेम हो तो कोई भी संकट बाधा विघ्नों पति से दूर ही रहती है। एक आप बात समझ ही गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत करने के लिए पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, यानी कि पति के लिए व्रत रखना भी जरूरी है। ऐसा करने से भी आपके रिश्ते में कभी भी खटास नहीं आएगी, आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। पति और पत्नी के बीच में दरार तब पैदा होती है, ध्यान से सुनिएगा, पति और पत्नी के बीच में पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दरार तब पैदा होती है जब दोनों के मन की भावना एक नहीं होती। जब यदि दोनों के मन की भावना एक करना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन पूजा पाठ करनी चाहिए, धर्म शास्त्र में रुचि रखनी चाहिए। सबसे अच्छा फल मिलेंगे शिव पुराण पढ़ने से, पति पत्नी के रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। एक बात को आप नोट कर लीजिएगा, पति कितना भी क्रूर और क्या सिंपल भाषा में बोलते हैं बदमाश क्यों ना हो, यदि पत्नी धर्म के मार्ग पर चले तो एक दिन पति सही दिशा पर आना ही होता है। इसके लिए पत्नी को हमेशा मन में धैर्य रखना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलकर शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। पतिव्रता के जरिए अपने पति को सही मार्ग दिखा सकती हैं आप
और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। आप शिव पुराण में बेहुला लिखिंद्र के विषय में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मृत्यु पति देव की प्राण बचाकर ले आए थे। उसके बाद राजा हरिचंद्र के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं। राजा हरिचंद्र ने जिस प्रकार राजपाट त्याग दिया था, ऐसे त्याग के कारण हरिचंद्र की पत्नी को कितना कष्ट झेलना पड़ा, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अधिक ज्ञान मिलेगा। मित्रों, ध्यान रखें, पति पत्नी का रिश्ता आप सभी मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए किसी की सलाह जरूर लेनी चाहिए आपको, मगर धर्म की रास्ता पहले चयन करना पड़ता है। इसके जरिए अपने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही आप मजबूत बना सकती हैं। जो नारी गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाना चाहती है, उनके जीवन नरक जैसा होता है, क्योंकि एक नारी का सुख दुख एक भागीदार पति ही होता है। इसीलिए पति देव कहा गया है। जो नारी अपने पति को ही पहचान न सके तो उनके जीवन में एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसके कारण बहुत ही कष्टदायक होता है। एक पति के लिए पत्नी ही है जो सही दिशा ले जाने की क्षमता रखती है, इसीलिए पत्नी को अर्धांगनी भी कहा जाता है। पति के आधा दुख हर लेने वाली पति पत्नी के प्रेम ऐसे विशाल होने चाहिए जिसे देखकर ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए। तभी तो ऐसे लगा। मेरी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, आप भी इस वीडियो में बताए जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, उनको जरूर फॉलो करें। जो पति पत्नी हैं, उनके बीच में अनबन रहती है, उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, तो हम सभी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके रिश्ते में हमेशा मधुरता रहे, प्यार रहे, आपका रिश्ता बरकरार रहे, आपके बीच में कभी भी लड़ाइयाँ ना हो, दुख ना हो, आप हमेशा सुखी रहें। तो आप भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप जो नंबर देख रहे हैं, श्री अमन बाबा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री कृष्णा।